अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सुलेमान योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2021 के। मैंने पार्ट वन के अंदर जो है आपको फिजिक्स के 10 एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको रिमेनिंग 10 एमसीक्यू जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो एमसीक्यू से सॉल्व करने से पहले जो है आप लोगों ने हमारे फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है, इसके ऊपर आपको एडमिशन की तमाम अपडेट मिलती रहेंगी। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम वीडियोस मिल सके। तो एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 11 एमसीक्यूज के अंदर आपसे क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन फाइनली कम टू रेस्ट। ठीक है, What will be the angle? आपको जो है यहाँ पे एंगल बताना है, ठीक है, किसके दरमियान बताना है, बिटवीन एक्सलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग मोशन। अब हम जो है इस एमसीक्यू को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई थी, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सिंगल डायमेंशन के अंदर, एक डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो भाई मैंने बोला ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, इसने यहाँ पे आपके पास ये एक मूव किया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने कह दिया कि भाई U जो है मेरे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, U क्या आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल में क्या बोला गया, फाइनली कम टू रेस्ट। रेस्ट में आने का मतलब है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर हो गई। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एक ग्राफ की हेल्प समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे जो है ग्राफ प्लॉट करूं वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में, ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरे पास टाइम है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब इसके पास जो वेलोसिटी थी वो एक इनिशियल वेलोसिटी इसके पास थी, ठीक है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी और एक पॉइंट यहां पे है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है आपके पास क्या हो गई थी, जीरो के बराबर हो गई थी। वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसकी वजह क्या है कि भाई वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो भाई आपके पास जो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन की। तो आपके पास दरमियान में एंगल बनेगा वो तो क्या बनेगा, 180 डिग्री का आपके पास एंगल आएगा। सही है, तो अब अपने ऑप्शन यहाँ पे देखो तो भाई सारे ऑप्शन आपके पास रेडियन में है। मैंने आपको पार्ट वन वीडियो के अंदर जो है आपको कन्वर्ट करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो अब डिग्री को किस तरह कन्वर्ट करना है, आपने आपने 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है पाई डिवाइड बाय 180 के साथ। तो 180 से 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, पाई आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, एमसीक्यू नंबर 12। The velocity of sound is greater in solid than in gases. भाई देखो MCQ solve करने से पहले जो आपके पास यहाँ पे जो line लिखी हुई है ना, यहाँ पे भी आपको एक information दी जा रही है। इसका MCQs भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई velocity of sound जो है solid में ज्यादा होता है या gases में ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई solid के अंदर जो है velocity of sound ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने की वजह क्या है आपसे इस एमसीक्यू में ये पूछा गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किस तरह करना है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आपके पास ऊपर जो है यहाँ पे आता है यंग मॉडुलस आता है और डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है रो, इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ तो आपने इसको अपने पास प्रॉपर जो है नोट करना है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे यंग मॉडुलस। ठीक है, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस और एयर। ठीक है, और यंग मॉडुलस की वैल्यू भी जो है आपके पास सॉलिड में ज्यादा होती है, मतलब आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी ज्यादा होगा और यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आएगी ना उसकी वैल्यू हमेशा 331 मीटर पर सेकंड से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, याद रख, समझ में आ गई बात। अगर मैं गैसेस और एयर की बात करूं तो इस केस के अंदर आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना
वो अप्रोक्सीमेटली 331 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, सॉलिड के केस के अंदर इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, और ज्यादा आने की वजह क्या है, डेंसिटी भी ज्यादा है और यंग मॉडुलस भी ज्यादा है। तो आप अपने ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन में क्या बात की जा रही, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लो, जबकि मैंने क्या कहा, ज्यादा होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ए ऑप्शन तो आपके पास गलत हो गया। अब बी में देखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हाई, बात ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी इज लो। अब बेटा यहाँ पे यंग मॉडुलस की मैंने जो बात की, इलास्टिसिटी कहते हैं इसको हम लोग, तो ये भी आपके पास ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे लो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, इलास्टिसिटी ज्यादा है आपके पास लेकिन यहाँ पे डेंसिटी की बात नहीं की गई, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी देखें हम लोग, तो इसमें डेंसिटी और इलास्टिसिटी दोनों की बात की गई है और यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये एमसीक्यू जो है बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 13 को सॉल्व करते, इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, आपके पास सवाल में जो है भाई मास की वैल्यू गिवन है, इस रेस वर्टिकली थ्रो 2 मीटर, आपके पास सवाल के अंदर जो है भाई हाइट गिवन है, ठीक है, देन द वर्क डन विल बी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन आपको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। अब फोर्स जो है ना आपके पास वो बराबर हो जाएगा इस केस के अंदर एम जी के, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एम जी पुट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, हाइट के फॉर्म में है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एच लिख दिया, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या गिवन थी, 2 गिवन थी, मैंने 2 पुट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे g की वैल्यू क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है 9.8, ठीक है, और h की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 टू का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तो आपने मल्टीप्लाई करना है भाई 9.8 के साथ, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो 39.2 जूल के बराबर होगा। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। आगे 14 एमसीक्यू जो है भाई, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, थोड़ी सी इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन बाल्मर सीरीज आर इन द डैश रीजन, आपको रीजन बताना है किसका, बाल्मर सीरीज का। तो भाई एमसीक्यू सिर्फ मूव करने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक डायग्राम को समझ लेते हैं, इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन जो है आपको दी जा रही है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तमाम जो है ना आपके पास ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारा 2 ऑर्बिट से, 3 ऑर्बिट से, 4 से, मतलब कोई भी ऑर्बिट से, 1 को छोड़ के ना इंफिनिटी से, किसी भी ऑर्बिट से अगर वो 1 के अंदर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब बोलेंगे कि भाई इंफिनिटी कोई भी ऑर्बिट हो जाए 1 के अलावा और वो 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाए, उसको हम लोग कहेंगे लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज हमारे पास कब होती है, जब आपके पास ऑर्बिट 2 में आए, ऑर्बिट 2 में आए किसी भी ऑर्बिट से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इंफिनिटी से, कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपके पास होगा बाल्मर सीरीज। पास्कल सीरीज कब होती है भाई, जब आपके पास ऑर्बिट 3 में आएगा, और ब्रैकेट आपके पास कब होगी, जब आपके पास ऑर्बिट 5 में आएगा, ठीक है, सॉरी ऑर्बिट 4 में आएगा। ऑर्बिट 5 के लिए भी एक सीरीज होती है, यहां पे मेंशन नहीं है, वो आपके पास कौन सी होती है, पी फंड सीरीज होती है। कौन सी होती है, पी फंड सीरीज। ये आपके पास कब होगी, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर ऑर्बिट से 5 के अंदर आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे पी फंड सीरीज। आपको तमाम सीरीज समझ में आ गई। अब इनका हम लोग रीजन देख लेते हैं कि जो कि हमसे सवाल में पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, तो लाइमन सीरीज के अंदर जो है हमारे पास जो रीजन होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। आंसर आपको अभी तक पता नहीं चला क्योंकि हमने बाल्मर सीरीज का बताना है। तो बाल्मर सीरीज के अंदर हमारे पास जो रीजन बनता है वो विजिबल रीजन होता है। कौन सा होता है, विजिबल रीजन। और पास्कल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता है इंफ्रा रेड होता है। क्या होता है, इंफ्रा रेड रीजन। और हमारे पास जो बाकी दो बच जाती है, ब्रैकेट सीरीज और पी फ्रंट सीरीज, इसके अंदर हमारे पास होता है फार इंफ्रारेड, ठीक है। दोनों के अंदर हमारे पास क्या होता है, फार इंफ्रारेड होता है।
हमारे पास यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो मैंने आपको ये पूरी डायग्राम समझाई, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आपसे बाल्मर के अलावा लायमन पूछ सकता है, आपसे पास्कल पूछ सकता है, पीफंट पूछ सकता है, ब्रैकेट पूछ सकता है। तो आपको पांचों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस एट ग्लैंसिंग एंगल 30 डिग्री। आपके पास सवाल के अंदर जो है भाई थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री गिवन है। ऑन अ क्रिस्टल विद एटॉमिक स्पेसिंग, एटॉमिक स्पेसिंग को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर। इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रेक्शन, बेटा बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे सवाल में गिवन है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसको देख लेते हैं। तो भाई एक्स रे के न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ब्रैग्स लॉ का। अगर आप लोगों को याद हो, आपने इंटर के अंदर पढ़ा होगा ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर के अंदर। एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, आपके पास जो है इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, 2d sin थीटा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो भाई एम जो है ना आपके पास ऑर्डर ऑफ डायफ्रेक्शन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात की, इसका मतलब ये कि एम की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। अगर यहाँ पे भाई आपको बोल दे सेकंड ऑर्डर, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। थर्ड ऑर्डर के अंदर हमारे पास m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह जो है वैल्यूज चेंज होती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। लैम्डा आपको जो है फाइंड आउट करना है इस सवाल के अंदर, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शन देखें यहाँ पे सारे मीटर के अंदर और यहाँ पे लिखा भी है वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, तो मतलब आपको लैम्डा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 आपने वैसे लिख दिया। D की वैल्यू मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट -10 है, तो आपने 2 एक्सपोनेंट -10 लिख दिया। आगे यहाँ पे आपके पास साइन थीटा क्या है भाई, 30 डिग्री है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ पे एंगल आ गया, अब टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो इस तरह हम लोग वैल्यूज याद करेंगे। तो भाई वीडियो मैंने इसके ऊपर पहले से बना दी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपने वो वीडियो जो है देख लेनी है कि भाई किस तरह जो है आप लोग एंगल को जो है याद कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके के अंदर जो है मैंने आपको एंगल याद करने का बताया है। ठीक है, अभी जो है हम लोग यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा ही आ जाएगा। ठीक है, 2 तक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 10 और साइन 30 डिग्री जो है आपके पास क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब 2 अंदर 2 और 2 तक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 एक्सपोनेंट 10 पावर -10 और मीटर आपके पास इसका आंसर है। तो अपने ऑप्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी 5 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, रिमेनिंग 5 एमसीक्यू जो हम लोग इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो भाई आप लोगों ने जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है लाजमी शेयर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं इंशाल्लाह आपको तमाम पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा और आपकी तैयारी जो है कराची यूनिवर्सिटी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप लोग जो है अपना टेस्ट आसानी क्लियर कर सकेंगे। तो आप लोग अगर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपने जो है हमारी वीडियोस लाजमी देखनी है और अपने दोस्तों के साथ जो है लाजमी शेयर भी करनी है। ठीक है, अब 16 एमसीक्यू से हमसे क्या बोला जा रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू अ टाइम, आपके पास जहां पे एस इज इक्वल टू सी टी क्यूब गिवन है। ठीक है, आपको डायमेंशन बतानी है फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू से, आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स से। बस थोड़ी सी जो है आपके पास यहाँ पे इक्वेशन को जो है भाई किसी और तरीके से लिखा है, आपको इसको समझना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं उतारू एस इज इक्वल टू सी टी क्यू, ठीक है, ये मेरे पास एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और सी की जो है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और टी जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, टाइम है। ठीक है, तो जो चीज मैंने फाइंड आउट करनी है उसको मैं एक साइड पे कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एस अपॉन टी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब S आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैपिटल L होती है इसकी डायमेंशन और टाइम की क्या होती है, कैपिटल T होती है, तो टी क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये टी क्यूब को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपके पास ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आगे 17 एमसीक्यू की बात करें, अ 5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, तो
भाई यहाँ पे आपको कैपेसिटर की जो है वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं हम लोग, हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट। आपके पास वोल्टेज की वैल्यू जो है 200 वोल्ट्स गिवन है। आपको सवाल के अंदर जो है भाई कैपेसिटर का चार्ज फाइंड आउट करना है, मतलब क्यू की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्यू इज इक्वल टू सी वी जो है हमारे पास फॉर्मूला हमने यूज करना है, ठीक है। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, तो कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास की थी 5 माइक्रोफेरेड थी। बच्चे मिस्टेक करते हैं भाई कि माइक्रो की यहाँ पे आप पुट नहीं करते, आपको पता है कि माइक्रो क्या होता है, आपके पास एक्सपोनेंट माइनस सिक्स होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 जो है आपने वैल्यू पुट कर दी। अब वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या है 200 है, ठीक है 200, ठीक है। अब सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है, आप एक्सपोनेंट को अभी साइड पे रख दो, 5 को मल्टीप्लाई करो 200 के साथ, 200 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 1000 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1000 आ गया, और साथ में क्या आ गया एक्सपोनेंट माइनस 6 वैसे आ गया। अब ये आपके पास जो 1000 है इसको जो है मैं भाई एक्सपोनेंट 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट 3 लिख दिया, और यहाँ मेरे पास क्या है एक्सपोनेंट माइनस 6 है। अब इसकी जो है मैं पावर सॉल्व करूँ, बेस जो है हमारे पास सेम है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, तो आंसर क्या आएगा एक्सपोनेंट माइनस का 3 आएगा। तो अब अपने ऑप्शन देखो, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 आपके पास कूलम जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे 18 एमसीक्यूज है बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग भी हो सकती है, आपको इस एमसीक्यू से आपको जो है परेशान भी कर सकता है, तो आपने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है भाई। इसके अंदर आपको जो है एंगुलर स्पीड बतानी है सबसे पहली बात, ठीक है। अब आपको बताया कि आपके पास जो वॉच होती है, घड़ी जो होती है, उसके अंदर आपके पास कितनी होती है नीडल, 3 होती है, 3 नीडल होती है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास होती है आवर्स की, सेकंड आपके पास होती है मिनट की, उसके बाद आपके पास होती है किसकी, सेकंड की, ठीक है। अब इन तीनों के लिए जो है ना एंगुलर स्पीड जो है अलग अलग जो है आपने सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे एक सर्किल मैंने बना दिया जो कि बिल्कुल जो है आपके पास एक घड़ी की तरह शेप दिख रही है, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/टाइम, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड का केस, सेकंड नीडल का केस, ठीक है बेटा, सेकंड नीडल का केस। एक दफा ये समझ लो ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा, एमसीक्यू आपको आसानी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जब आपके पास सेकंड वाली सुई होती है उसको पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो भाई जवाब है 60 सेकंड जो है ना आपको लगते हैं एक सेकंड वाली सुई को एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के अंदर। तो मतलब ये कि आपके पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 सेकंड आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2π/60 = π/30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब यूनिट जो है यहाँ पे बहुत मायने रखता है, रेडियन डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, सेकंड आएगा, क्योंकि हमने जो टाइम पुट किया है ना वो सेकंड के अंदर पुट किया है, ठीक है बेटा। यहां तक आपको सेकंड नीडल का केस समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें मिनट वाली नीडल की, तो मिनट वाली नीडल के अंदर हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो मिनट वाली नीडल होती है उसको पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के अंदर जो है 60 मिनट लगते हैं, तब उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टाइम पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2π/60 = π/30। अब आप लोग बोलेंगे भाई आंसर तो सेम आ रहा है, भाई आंसर सेम आ रहा है लेकिन आपने यूनिट पे गौर करना है। यहाँ पे आपके पास यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर मिनट में आएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब डिस्कस कर लेते हैं आवर्स का केस, ठीक है, जब हमारे पास नीडल कौन सी होगी, आवर्स की होगी, तो उसके अंदर अब आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है उसका पूरा एक चक्कर कब कंप्लीट होगा, जब आपके पास 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, तो मतलब क्या आपके पास टाइम जो है 12 आवर्स आ गया, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या पुट कर दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ये फॉर्मूला है, मैंने पुट किया 2π/12, तो आंसर क्या आया, π/6, और यूनिट क्या होगा, रेडियन पर आवर होगा, ठीक है।
ये तीन केस आपको समझ में आ गया। तो अब आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है, एंगुलर स्पीड आपने बतानी है ऑफ आवर्स नीडल। यहां पे आपने इस चीज पे गौर करना है बेटा, मैंने आपको तीनों केस बताया, मिनट का भी, सेकंड का भी और आवर्स का भी। तो यहां पे आवर्स की बात की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे आपने यूनिट पे गौर करना है कि यूनिट क्या बोला जा रहा है, रेडियन पर आवर्स बोला गया है। तो रेडियन पर आवर मैंने अभी कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आया था, पाई डिवाइड बाय 6 आया था। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर मैं इसमें चेंजिंग करूं, मैं बोलूं भाई मुझे मेरे आपने देखना है नीडल जो है आवर्स की देखनी है, लेकिन रेडियन पर मिनट के अंदर बताओ, ठीक है। अभी तो रेडियन पर आवर्स से पूछा था ना, अब मैं बोलूं रेडियन पर मिनट के अंदर बताओ, लेकिन नीडल जो है ना वो घंटे वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि आपने 12 घंटे को जो है ना 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है 2π से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2π डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा पाई डिवाइड बाय 360। तो यूनिट क्या बन जाएगा, रेडियन पर मिनट बन जाएगा, लेकिन ये कौन सी की बात की जा रही है, आवर्स की बात की जा रही है, ठीक है। अगर मैं बोलता रेडियन पर सेकंड में बताओ, तो आप दोबारा इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, तो अब आपके पास जो आंसर आता वो रेडियन पर सेकंड में आता, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह वो मिनट की आपके पास नीडल के अंदर भी आपसे तीनों पूछ सकता है, सेकंड ने पूछ सकता है, मिनट ने पूछ सकता है, आपसे जो है आवर्स ने पूछ सकता है। तो आपको तमाम केस आने चाहिए, ठीक है। आगे 19 की बात करेंगे, अ मैन वेट 1000 न्यूटन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट। तो भाई लिफ्ट के अंदर आपके पास चार केस होते हैं, ठीक है। एक आपके पास स्टेशनरी होता है, एक अपवर्ड का होता है, एक डाउनवर्ड का होता है, और एक आपके पास जब केबल ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अभी बात की जा रही है भाई आपके पास वेट की वैल्यू जो है आपके पास 1000 न्यूटन है, और कब है, स्टेशनरी के अंदर है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेट इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप। अब जो आपको वेट फाइंड करना है, इसको हम डब्ल्यू डैश का नाम देते हैं, और यहां पे भाई केस कौन सा है, अपवर्ड का केस है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है क्या गिवन है, 10 m/s² जो है गिवन है, ठीक है भाई। अब यहां पे जो आपके पास स्टेशनरी का फॉर्मूला होता है, W=mg होता है, सही है। अब वेट मेरे पास था 1000, मास मैंने फाइंड आउट करना है, और जी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 9.8 होती है। तो अब भाई अब यहां से जो है मेरे पास मास जो निकल के आएगा वो होगा 102 के बराबर, हो क्या होगा, 102 किलोग्राम। यहां मेरे पास क्या निकल क्या आ गया, मास निकल के आ गया, लेकिन मैंने वेट फाइंड आउट करना है, वो भी कब फाइंड आउट करना है, जब अपवर्ड का केस होगा मेरे पास, ठीक है। अपने पास नोट करो, जब आपके पास अपवर्ड का केस हो लिफ्ट के अंदर, तो फॉर्मूला जो आपके पास वेट का लगता है वो क्या लगता है, m × g + a, ठीक है। और डाउनवर्ड केस के अंदर क्या होगा, यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी चेंजिंग होगी। अब वैल्यूज पुट करो, 102 आ गया, यहां पे 9.8 आ गया, और यहां पे 10 आपको सवाल में गिवन था। अब इसको आपने जो है भाई सॉल्व कर लेना है, 102 मल्टीप्लाई बाय 19.8। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपके पास का राइट आंसर है। आगे हमारा लास्ट एमसीक्यू है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस एमसीक्यू से सॉल्व करने से पहले हमें जो है भाई पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद जब हम लोग इस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, कि जो फोटोन होता है, फोटोन जो है स्ट्राइक करता है मटेरियल के ऊपर, और मटेरियल जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की इमिशन करता है, क्या करता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस के अंदर क्या होता है, फोटोन स्ट्राइक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी एक्स रे प्रोडक्शन की, तो भाई एक्स रे के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो जो है स्ट्राइक करता है और फोटोन जो है ना हमारे पास इमिट होता है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे रिवर्स केस नजर आ गया, यहां पे फोटोन ने स्ट्राइक किया था और इलेक्ट्रॉन मिला था, यहां पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है तो फोटोन मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपके पास यहां पे राइट आंसर है। बहुत से बच्चे यहां पे पेयर प्रोडक्शन का भाई आंसर टिक करते हैं, तो मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, पेयर प्रोडक्शन का यहां पे आंसर रॉन्ग होगा। पेयर प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, फोटोन
स्ट्राइक तो कटता है, लेकिन जो उसके नतीजे में हमारे पास इमिशन होती है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की भी होती है और पॉजिट्रॉन की भी होती है, तो इस वजह से जो है हमारे पास ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस नहीं है। अब जो है हमारे पास 2021 का फिजिक्स का पास पेपर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, तो आपके पास ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करें। इंशाल्लाह अब जो हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हम लोग बायो का भी सॉल्व करेंगे, और इस तरह जो है आपकी तैयारी जो है मजीद अच्छी हो जाएगी। तो आपने जो है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को जो है लाजमी लाइक भी करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए जो है इसी तरह वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज स्कूल फॉर मोर वीडियोज़।